कोरोना ही नहीं, अब तो मौसम के तेवर भी घर में दुबकने को मजबूर कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले दो दिनों में उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना जताई है। 28 और 29 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज हवाएं चली। सीकर में दिन का तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं दोपहर बाद उदयपुर के आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया, तो तेज हवा के साथ कुछ ही देर में बादल विदा भी हो गए। धूल भरी आंधियों ने शहरवासियों को एक बार फिर परेशान कर दिया। मौसम वैज्ञानिकों ने एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसमें जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बादल गरजने, अचानक तेज हवाओं, आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना दी। तो वहीं आज के लिए जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में दोपहर बाद बिजली चमकने के साथ धूल भरी आंधी और हल्की बारिश के आसार हैं। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उदयपुर में तेज धूप और उमस से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया। उसके बाद अचानक आसमान में बादल घुमड़ने लगे, गर्मी से थोड़ी राहत मिली। शहरी इलाकों में धूल भरी आंधी चली और ग्रामीण इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा है। कुछ दिनों में उदयपुर समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में तापमान 41 डिग्री को पार कर जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार उदयपुर में न्यूनतम तापमान में इजाफे का दौर शुरू हुआ है। पिछले कुछ दिनों में उदयपुर में रात का तापमान 18 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन एक बार फिर गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं सीकर के मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसमें जोधपुर, उदयपुर संभाग के जिलों में कई कई जगह मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाएं और आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। यानी राजस्थान में मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।